अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को अनअकैडमी प्लस के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव पेड कोर्सेज मिल जाएंगे दोस्तों, जैसे नेवी, एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए, एसएससी, रेलवे, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको जो है पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर जगुआर बैच है दोस्तों एयरफोर्स के लिए, और यहाँ पर जो अच्छी बात है दोस्तों, जो कोर्सेज हैं वो आपके जो है टाइम टू टाइम आते रहते हैं, और यहाँ पर जो है आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा जो है सारे के सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन आपको लेना है दोस्तों केवल एक, और सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। सिंपल गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो है टेन्योर चूज करना है कि कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर ये जो रेफरल कोड आपको दिख रहा है, यहां पर आपको सिंपल एंटर कर देना है इंडियन, और जैसे ही आप इंडियन एंटर करोगे दोस्तों आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो, और सिंपल आपको प्रोसीड टू पे करना है और आप जो है परचेज कर लेना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने का लिंक दोस्तों और सब्सक्रिप्शन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच। और दोस्तों जय हिंद, कैसे आप सभी, मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों पिछली दो वीडियोज में मैंने आपको जो है यूनिट एंड मेजरमेंट का कंप्लीट चैप्टर कवर करवा दिया था, और आज की ये हमारी थर्ड वीडियो है, और इसमें मैं आपको मोशन का पार्ट नंबर 1 कराऊंगा। लगभग दो वीडियोज में मैं आपको कंप्लीट मोशन करवा दूंगा दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में। भैया आप चाहे SSC का एग्जाम दे लो, चाहे रेलवे का एग्जाम दे लो, चाहे UPSC CDS का एग्जाम दे लो, या फिर आप नेवी MR या फिर दोस्तों कोस्ट गार्ड का एग्जाम दो, सभी के लिए दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है भाई। तो वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखते रहिएगा और साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों, बहुत ही काम आपको जो है ये आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मोशन की। तो मोशन होता क्या है भाई, मेरे को आप कमेंट करके बता दीजिए एक बार जल्दी जल्दी से। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो मोशन होता है गति होती है दोस्तों, वो क्या होती है, किसी भी वस्तु का जो है समय के, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु अगर समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रही है तो वो क्या है, मोशन है भाई। ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं दोस्तों, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति का मतलब क्या होता है दोस्तों, पोजीशन, अपनी पोजीशन में परिवर्तन ला रही है दोस्तों, परिवर्तन, या फिर आपको भाई चेंज ला रही है, परिवर्तन ला रही है, तो दोस्तों वो वस्तु क्या है, तो वह वस्तु मोशन में है, वह वस्तु मोशन में दोस्तों, वो वस्तु क्या है, मोशन में है, मोशन बोले तो गति में है। सो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर मैंने आपको क्या बताया है, अगर कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रही है तो वो वस्तु क्या है, मोशन में है। अब आप दोस्तों किसी वस्तु को मोशन में कब कहोगे, ध्यान रखना दोस्तों यहां पर एक पॉइंट आता है भाई, यहां पर एक पॉइंट आता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोशन के बारे में। अब आप किसी को मोशन में नहीं कह सकते हो, कब कहोगे दोस्तों, ध्यान रखना यहां पर एक पॉइंट आता है, सापेक्ष बिंदु, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों रेफरेंस पॉइंट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं दोस्तों। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या है दोस्तों, ये जो वस्तु है जो कि आपकी चेंज ला रही थी अपनी स्थिति में, ये चेंज ला रही है दोस्तों किसी सापेक्ष बिंदु के विद रिस्पेक्ट। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, सापेक्ष बिंदु भाई आप सभी नोट कर सकते हो, सापेक्ष बिंदु वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष या फिर विद रिस्पेक्ट टू कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रही है, कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रही है, अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रही है। वो बिंदु क्या होगा दोस्तों, वो सापेक्ष बिंदु होगा। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रही है तो वो क्या है दोस्तों, वो मोशन में है। और यहां पर एक और टर्म आता है दोस्तों, यहां पर जो सापेक्ष बिंदु है वो मैंने आपको बता दिया, वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन लाए, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, वो सापेक्ष बिंदु है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई, मेरे लिए ये बोर्ड जो है सापेक्ष बिंदु, अब यहां पर मैं गति कर रहा हूं दोस्तों, और मेरे लिए क्या है, ये बोर्ड सापेक्ष बिंदु है, इसके विद रिस्पेक्ट में अपनी स्थिति में चेंज ला रहा हूं दोस्तों, इसके विद रिस्पेक्ट में मोशन में हूं। लेकिन दोस्तों अगर मैं जो है यहां पे खड़ा हो जाऊं, और ये मान लीजिए ये कोई बस है और ये जा रही है,
तो इस बस के विद रिस्पेक्ट मैं जो है क्या हूं, रेस्ट पर हूं दोस्तों, मैं इसका सापेक्ष बिंदु हूं। और यहां पर अब मैंने आपको एक बात बता दिया भाई, रेस्ट क्या होता है, आपको मैंने एक बात बता दी दोस्तों, रेस्ट क्या होता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, विराम अवस्था भी कहते हैं भाई, विराम अवस्था या फिर दोस्तों इसको आराम अवस्था, जो भी आप बोलो भाई बोल सकते हो। रेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, वो भाई रेस्ट फरमा रही है, वो आराम से बैठी है, वो रेस्ट फरमा रही है दोस्तों। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई मोशन में है तो वो समय के साथ अपनी अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रही है, लेकिन अगर वो रेस्ट पर है तो वो दोस्तों, तो वो वस्तु समय के अनुसार, समयानुसार अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं ला रही है, कोई परिवर्तन नहीं ला रही है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रही है तो मोशन में है, अगर कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला रही है तो वो क्या है, वो रेस्ट पर है। अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूं दोस्तों, तो आपने यहां पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाता हूं दोस्तों कि रेस्ट आखिरकार होता क्या है और मोशन आखिरकार होता क्या है। सो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिएगा भाई यहां पे जो है ये बस है, मान लीजिए दोस्तों यहां पर ये जो है क्या है, ये एक जो है बस है भाई, और यहां पर जो है ये यात्री बैठे हैं दोस्तों, ये बस है भाई, मान लो यार ये बस है दोस्तों और ये यात्री बैठे हैं, और यहां पर खड़े हैं दोस्तों कोई आप में से एक व्यक्ति जो है यहां पे खड़ा है। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो ये बस जो है गति कर रही है दोस्तों, और यहां पर आप जो है रोड के साइड में खड़े हो, तो यहां पर आपके लिए दोस्तों ये बस क्या है, ये बस जो है भाई मूव कर रही है, ये बस मोशन में है। आप यहां पर क्या हो जाओगे दोस्तों, आप तो हो जाओगे भाई रेस्ट पर, आप हो जाओगे दोस्तों रेस्ट पर, लेकिन आपके लिए यहां पर आपके लिए दोस्तों ये बस जो है वो मोशन में होगी भाई, वो क्या है, वो गति अवस्था में होगी। अब यहां पर इसको अपोजिट ले लीजिए दोस्तों, यहां पर बैठे हो भाई आप, यहां पर एक व्यक्ति बैठा है दोस्तों आप में से कोई, और यहां पर भी एक व्यक्ति बैठा है, मतलब इसमें 20 सवारी है या फिर 30 सवारी है, जितनी भी सवारी है दोस्तों वो आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट पर होंगे। ध्यान रखना दोस्तों, इसके लिए ये वस्तु क्या होगी, ये रेस्ट पर होगी, इसके लिए जो दूसरा यात्री है, एक यात्री के लिए दूसरा यात्री रेस्ट पर होगा, लेकिन इन यात्रियों के लिए ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है दोस्तों, ये जो व्यक्ति है जो कि बाहर खड़ा है भाई, ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका मोशन में होगा। आई होप कि आप सभी को यहां पर जो है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। सो ध्यान रखना भाई, अगर कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रही है तो वो मोशन में है, लेकिन अगर वो समय के अनुसार परिवर्तन नहीं ला रही है तो वो क्या है, रेस्ट पर है। ध्यान रखना, इसमें दो पॉइंट होने जरूरी है दोस्तों, एक रेफरेंस पॉइंट होना काफी ज्यादा जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, रेफरेंस पॉइंट वो बिंदु होता है जिसके सापेक्ष कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन लाकर वो मोशन में बन रही है। सो ध्यान रखना दोस्तों, आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं भाई हम आगे आगे, अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाइप ऑफ मोशन की, अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मोशन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, एक यहीं पर है छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, बिल्कुल, एक होता है भाई यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म यानी एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन होता है दोस्तों, और एक होता है भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप कि यहां पर आप सभी को क्लियरली विजिबल होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है यानी असमान गति, एक होती है दोस्तों समान गति और एक होती है असमान गति। अब मैं डेफिनेशन आपको नहीं लिखवाऊंगा और न ही एग्जाम में पूछी जाएगी कि एक समान गति क्या होती है या फिर असमान गति क्या होती है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी दोस्तों, नहीं आपसे ये पूछा जाएगा कि मोशन क्या होती है। यहां पर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं भाई बिल्कुल डिटेल में। सो यहां पर देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ये जो है कोई पॉइंट है ए, और ये मान लीजिए भाई कोई पॉइंट है बी, और यहीं पर मान लीजिए दोस्तों एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है दोस्तों डी। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, यहां पर ए से बी के बीच की जो दूरी है दोस्तों वो मान लीजिए 1 किलोमीटर है, और सी से डी की जो दूरी है वो भी मान लीजिए भाई 1 किलोमीटर है। यहां पर कोई व्यक्ति है दोस्तों, कोई व्यक्ति है जो कि ए से बी तक जाता है दोस्तों 10 सेकंड में, एक से बी तक जाता है 10 सेकंड में, और दूसरा जो व्यक्ति है वो सी से डी जाता है दोस्तों 10 सेकंड में ही। तो यहां पर ये क्या है, ये आपके यूनिफॉर्म मोशन में दोस्तों। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या है, कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है, तो
तो वो आपकी क्या हो जाती है, वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में होती है दोस्तों, एक समान गति में होती है। कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होती है। वहीं पर अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई, मान लीजिए यही ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। तो यहां पर दोस्तों कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन में होता है, लेकिन समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करता है तो नॉन यूनिफॉर्म में होता है। देखो यहां पर 1 किलोमीटर है, यहां पर मान लीजिए इसका डिस्टेंस अब 2 किलोमीटर हो गया है, वही व्यक्ति दोस्तों ए से बी तक जा रहा है भाई 10 सेकंड में, और अब दोस्तों यहां पर भी जा रहा है भाई 10 सेकंड में, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर सिंपल सी बात है, दूरी अलग है, असमान दूरी है, समान समय अंतराल है। सो ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन में होता है, और असमान समय अंतरालों में, अगर समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करता है तो दोस्तों वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, बिल्कुल ध्यान रखना असमान गति में है। कोई डाउट अगर आपको हो दोस्तों तो बेझिझक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो भाई, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर टाइप ऑफ मोशन की, टाइप ऑफ मोशन कितने प्रकार का होता है। एग्जाम में यह भी नहीं आपसे पूछा जाएगा कि मोशन कितने प्रकार का होता है, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको जो है पता होना चाहिए। और ये जनरल बातें दोस्तों, कोई भी चीज अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको उसका थ्योरी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब कोई न्यूमेरिकल आप करोगे उसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने बहुत ही जरूरी है। सो यहां पर देखिए, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों टाइप ऑफ मोशन की, टाइप्स ऑफ मोशन यानी मोशन के प्रकार, गति के प्रकार। यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, हिंदी वाले फिर कहेंगे कि सर हिंदी में नहीं बताया, गति के प्रकार। अब गति के प्रकार दोस्तों कितने भी बना लो आप सभी, ध्यान रखना जो मेजर होते हैं, मैं तो मानता हूं भाई गति की 3 प्रकार की होती है, गति जो है 3 प्रकार की होती है दोस्तों। गति कितने प्रकार की होती है भाई, हमारी 3 प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार मैं आपको बताऊंगा। यहां पर वैसे तो 6-7 हो जाएंगे दोस्तों, वैसे तो 6-7 हो जाएंगे, लेकिन एक होता है सरल रेखीय, या स्थानांतरीय गति। सो यहां पर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसके इंग्लिश में बोलते हैं भाई स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर, या स्ट्रेट लाइन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, अब यहां पर मैं आपको दोनों ही बताना चाहता हूं दोस्तों कि दोनों ही क्या होते हैं भाई। स्ट्रेट लाइन से तो आप सभी को पता चल गया होगा दोस्तों कि स्ट्रेट लाइन जो है क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है दोस्तों सरल रेखा, मतलब होता है दोस्तों यदि कोई वस्तु, सीधी रेखा में गति करे, तो दोस्तों वो क्या है भाई, वो आपकी सरल रेखीय गति है। सरल रेखीय है जो, सरल रेखीय या फिर रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे। अगर मैं इसका एग्जांपल अगर आपको दूं, एग्जांपल देखिए दोस्तों, अ कार ऑन स्ट्रेट रोड, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मान लीजिए कोई कार है भाई वो सीधे रोड पर जो है गति कर रही है तो वो आपकी क्या होगी, सरल रेखा में जो है वो गति कर रही है, तो सीधी रेखा में गति करे तो उसको हम रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हो दोस्तों इसका, फॉर एग्जांपल के लिए भाई ये मेरे पास मार्कर है और मैं इसको यहां से गिराता हूं तो इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो सरल रेखा में होगा, बिल्कुल। तो ये भी क्या होगा दोस्तों आपका, या फिर कोई बॉल आप ड्रॉप कर रहे हो किसी बिल्डिंग से तो वो भी क्या होगी दोस्तों, बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रहा है कोई भी, तो उसको हम रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी ट्रांसलेटरी मोशन की, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है दोस्तों, स्थानांतरीय गति होता है भाई। अगर हम इसको बात करें तो इसकी क्या बात होती है दोस्तों, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो होती है दोस्तों वस्तु, वस्तु को कहते हैं भाई बॉडी, और एक होता है दोस्तों पार्टिकल, एक क्या होता है भाई पार्टिकल होता है दोस्तों, मतलब इसका होता है भाई कण। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टिकल क्या होता है और बॉडी क्या होती है भाई। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पार्टिकल के बारे में बता देना चाहता हूँ, जब दोस्तों ध्यान रखना भाई, जब वस्तु का आकार
उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसके द्वारा तय की गई दूरी दूरी के मतलब जो है नेग्लिजिबल हो, के नेग्लिजिबल हो दोस्तों, के नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल का मतलब है न के बराबर, के न के बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम पार्टिकल कहते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए भाई, एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो फुटबॉल, फुटबॉल इन ग्राउंड, फुटबॉल इन ग्राउंड दोस्तों, ये आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। अब यहाँ पर देखिए भाई, ये आपका जो है एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, फुटबॉल इन ग्राउंड। सो यहाँ पर देखिए, जब फुटबॉल प्लेयर खेलते हैं दोस्तों फुटबॉल को, तो फुटबॉल दोस्तों बहुत ही ज्यादा किलोमीटर लंबा जो है सफर तय करती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। और अगर हम उसको जो है उसके आकार के साथ कंपेयर करें, उसके साइज के साथ कंपेयर करें, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार के जो है मतलब उसका जो आकार है उसके द्वारा तय की गई दूरी के नेग्लिजिबल है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो पार्टिकल कहलाएगा भाई। अब वस्तु क्या होती है दोस्तों, जब कोई वस्तु दोस्तों अगर गति कर रही है और वो जो है उसके पार्ट में डिवाइड नहीं होती है, तो वस्तु कहलाती है। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा दोस्तों, जब कोई वस्तु गति कर रही होती है और वो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है, तो वो आपकी वस्तु कहलाती है भाई। ध्यान रखना दोस्तों, ये आप जो है ध्यान रखना, बिल्कुल मैंने दोनों बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रांसलेटरी मोशन की, यानी स्थानांतरीय गति की। अब ये क्या होता है, मैंने आपको सरल रेखीय गति तो बता दिया कि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर आपसे कह दे कि यदि कोई कण, ध्यान रखना दोस्तों, यदि कोई कण सीधी रेखा में गतिमान हो, सीधी रेखा में गतिमान हो, गतिमान हो, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो आपका ट्रांसलेटरी मोशन में होगा, स्थानांतरीय गति में होगा, स्थानांतरीय गति में होगा दोस्तों। वो क्या होगा भाई, स्थानांतरीय गति में होगा, वो क्या होगा दोस्तों, स्थानांतरीय गति में होगा, वो क्या होगा, स्थानांतरीय गति में होगा। ध्यान रखना भाई, अगर कोई वस्तु जो है सीधी रेखा में गतिमान हो तो उसको स्ट्रेट लाइन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, वहीं पर अगर कोई कण सीधी रेखा में गतिमान हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टाइप की, जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है दोस्तों, वो आता है सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन, सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, सर्कुलर को तो आप सभी को पता है भाई, वृत्तीय कहते हैं, वृत्तीय या हाँ जी, रोटेटरी को क्या कहते हैं दोस्तों, घूर्णन गति, वृत्तीय या फिर घूर्णन गति, घूर्णन गति। एग्जाम्पल इनके आप सभी को मैं साथ की साथ बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्पल ही जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। देखो कैसे होगा भाई, एग्जाम्पल देखो, क्या आप में से कोई मेरे को बता सकता है तो कमेंट में आप मेंशन कीजिएगा। जो सर्कुलर मोशन होता है दोस्तों, सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए भाई, ये कोई भी मतलब जैसे मतलब ये इसका जो है एक पॉइंट है, ये क्या है, एक फिक्स्ड बिंदु है दोस्तों, एक निश्चित बिंदु है। अगर कोई भी वस्तु दोस्तों इसके चारों तरफ जो है गति कर रही है, इसके चारों तरफ जो है ऐसे गति कर रही है भाई, कोई भी वस्तु बिल्कुल, इसको मतलब एक फिक्स्ड बिंदु मान के दोस्तों इसके चारों तरफ गति कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आपका हो जाएगा भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सर्कुलर मोशन होगा। और ये जो बिंदु है दोस्तों, ये जो बिंदु है, ये निश्चित बिंदु, एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसके चारों तरफ अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो क्या होगी दोस्तों, सर्कुलर मोशन में होगी। अब इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको देता हूं दोस्तों, आप में से मेरे को बताना दोस्तों किन किनों ने ये काम किया हुआ है बचपन में, आपने देखा होगा दोस्तों। मान लीजिए भाई मेरे पास ये डस्टर, ये लगा लीजिए, ये डस्टर है, इसको मैंने एक रोप से बांध लिया दोस्तों, और फिर उसको ऐसे रस्सी के द्वारा घुमाते हैं दोस्तों। अब रस्सी हम घुमा रहे हैं तो हम क्या है, एक फिक्स्ड बिंदु हो गए दोस्तों, और ये क्या है, उस रोप को बंधा हुआ जो है चारों तरफ घूम रहा है। तो ये जो है दोस्तों, ये जो बॉडी है ये सर्कुलर मोशन में है, ध्यान रखना, ये सर्कुलर मोशन में नहीं है, ये जो बॉडी है ये सर्कुलर मोशन में है भाई, ध्यान रखना, ये आपका सर्कुलर मोशन होता है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया दोस्तों, हां जी, स्टोन टाइड विद रोप, मोशन ऑफ अ स्टोन, मोशन ऑफ ए स्टोन टाइड विद रोप, मतलब किसी पत्थर को हम जब जो है एक रस्सी के द्वारा बांधकर घुमाते हैं, तो वो स्टोन क्या है दोस्तों, वो स्टोन आपका जो है वृत्तीय गति में। भाई समझ में आ रहा है तो मेरे को ना लाइक जरूर करके बताइएगा दोस्तों, और अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आएंगे भाई, और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो इस आगे बात कर लेते हैं दोस्तों घूर्णन गति के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रोटेटरी मोशन क्या होता है भाई, घूर्णन गति क्या होता है। अब आपने सर्कुलर मोशन के बारे में तो पढ़ लिया भाई, अब
रोटेटरी मोशन के बारे में सुनिए। रोटेटरी मोशन भी दोस्तों सर्कुलर मोशन का एक टाइप होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो है ये जो वस्तु है ये इसके चारों तरफ तो घूम रही है, लेकिन इसका रेक पार्टिकल भी दोस्तों क्या है आपका सर्कुलर मोशन में है, रोटेटरी मोशन में। ध्यान रखना, ये वस्तु तो इसके चारों तरफ घूम रही है तो ये आपकी रोटेट सर्कुलर मोशन में तो है, लेकिन ये जो वस्तु है इसका भी रेक पार्टिकल क्या होना चाहिए, रोटेटरी मोशन में होना चाहिए भाई। ध्यान रखना दोस्तों, यही आपका क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। अब इसका मैं एग्जांपल अगर आपको दूं दोस्तों, तो भाई आप सभी को पता है प्लैनेट्स अराउंड सन क्या कहा दोस्तों, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। सो आप सभी को पता है दोस्तों, जो सूर्य के चारों ओर हैं, सूर्य नहीं घूमता है भाई, सूर्य के तरफ जो चार जो ग्रह होते हैं दोस्तों उसके चारों तरफ घूमते हैं। अब आप सभी को पता है दोस्तों कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर भी तो चक्कर लगाती है ना, तो मतलब क्या है, पृथ्वी के अंदर सारे पार्टिकल भाई हम भी घूम रहे हैं दोस्तों। सो ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु किसी एक फिक्स्ड बिंदु के चारों तरफ एक जो है घूम रही है, और उस वस्तु के जो सभी पार्टिकल्स हैं दोस्तों वो भी जो है रोटेटरी मोशन में है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका रोटेटरी मोशन कहलाएगा। तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है दोस्तों एक रोटेटरी मोशन में और एक आपका सर्कुलर मोशन में। और ध्यान रखना दोस्तों, जो सर्कुलर मोशन होता है ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन होता है दोस्तों सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान रखना दोस्तों, सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। सो यहां तक आपको क्लियर है तो मेरे को बता दो दोस्तों भाई, डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो नोट कर सकते हो। अगर मैं यहां पर लिखूंगा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि रोटेटरी मोशन किसे कहते हैं, आपकी समझ के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या जो है डिफरेंस होते हैं। सो भाई ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कंसेप्ट आएंगे तो आपको इनकी नीड जो है बहुत ही ज्यादा होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे थर्ड टाइप ऑफ मोशन की, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, वाइब्रेटरी मोशन या फिर दोस्तों जो आपका होता है वाइब्रेटरी को क्या कहते हैं, कंपन या फिर दोलन गति, वाइब्रेटरी या फिर ओसिलेटरी मोशन। सो उनके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है और एक ओसिलेटरी मोशन क्या होता है। सो उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, और भाई इनके नोट्स बनाते रहो, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी इन सभी के नोट्स बनाते रहो, नोट्स आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ मोशन की, जो कि आता है ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में कहा जाता है भाई दोलन या कंपन गति। अब क्या होती है दोस्तों दोलन एंड कंपन गति, तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं ये क्या होती है, टू एंड फ्रो या फिर आप कहो बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या होता है दोस्तों, ये आपकी भाई ओसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ओसिलेटरी किसको कहोगे आप, वाइब्रेटरी किसको कहोगे। ध्यान रखना, टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं हिंदी में बताऊं दोस्तों, किसी वस्तु की एक निश्चित बिंदु के इधर उधर की गति को क्या कहते हैं दोस्तों, किसी वस्तु की
किसी वस्तु की एक निश्चित बिंदु के इधर उधर की गति को क्या कहते हैं दोस्तों, इधर उधर की गति को दोलन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, दोलन या कंपनिक गति कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना भाई, कंपनिक गति कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आप दोलन गति कब कहोगे और जो है आप कंपनिक गति कब कहोगे, ध्यान रखना। यहां पर एक पॉइंट आता है दोस्तों, एक टर्म आता है भाई एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड का एक टर्म आता है दोस्तों जिसको आयाम भी कहते हैं, आयाम भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आयाम क्या होता है, मान लीजिए भाई ये आपकी जो है एक फिक्स्ड पॉइंट है, अब कोई वस्तु जो है इसके इधर उधर जो है गति कर रही है, ये उसकी क्या हो जाएगी, ये उसकी मेन पोजीशन हो जाएगी दोस्तों, ये उसकी जो है मध्य स्थिति हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हो आप, ये मध्य स्थिति हो जाएगी। समझना दोस्तों, समझना भाई, नोट करते रहो, ध्यान रखना दोस्तों। ये जो है इधर उधर गति कर रही है, मतलब यहां पर उसने गति की है दोस्तों, मान लीजिए एक ये पॉइंट है और एक मान लीजिए भाई ये यहां पर गति कर रही है, ये आपका जो है बी पॉइंट है दोस्तों, ये आपका क्या है, बी पॉइंट है। सो यहां पर मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये आपका सेंटर है, मेन पोजिशन है। अब यहां से यहां तक इसने जो गति की है दोस्तों, वहां मान लीजिए आपने इसने 2 सेंटीमीटर की है, वहीं पर इसने जो है ओ से बी तक को जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो जो है क्या है, वो 3 सेंटीमीटर दोस्तों। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है ओ से ए का, ये उसका एम्पलीट्यूड होगा भाई, ध्यान रखना, ये उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है मेन पोजीशन के, मेन पोजीशन के इधर या फिर उधर की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, उसका आयाम कहते हैं भाई, ध्यान रखना, वो क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है और आपका जो है दोलन गति क्या होती है। दोलन गति तो ये हो गई दोस्तों, दोलन गति तो आपकी ये हो गई, मतलब क्या है, टू एंड फ्रो मोशन था दोस्तों, बैक एंड फोर्थ मोशन था ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट After an interval of time, after a fixed interval of time, ये क्या था दोस्तों, ये आपका भाई दोलन गति थी। अब आप जो है कंपनिक गति किसे कहोगे दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, कंपनिक गति, कंपनिक यानी वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या हुआ दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना, जो आपका मतलब जब आयाम, जब जो आयाम है दोस्तों, जब जो एम्पलीट्यूड है वो मतलब कम से कम हो, वो मतलब बिल्कुल न्यूनतम हो दोस्तों, वो कम से कम हो, वो कम से कम हो मतलब बहुत कम हो दोस्तों, बहुत ही कम, बहुत ही कम हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, वो आपकी कंपनिक गति कहलाएगी। जब ये आयाम जो है, ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, जो कि एक बॉडी ने जो है एक फिक्स्ड पॉइंट के इधर उधर ट्रेवल किया है, ये बहुत ही ज्यादा कम हो, तो आपका वो क्या कहलाएगा, वो आपका वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा भाई, वो आपका वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। एक बार मेरे को जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी भाई। नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लो, बाकी आप सभी को मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, अभी और भी करेंगे भाई, लास्ट तक देखते रहना। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इसकी जो प्रैक्टिस है, इसकी जो प्रैक्टिस है भाई, वो आज शाम को 4 बजे अनअकैडमी पर होगी, वो शाम को 4 बजे अनअकैडमी पर होगी दोस्तों, सो जरूर से जुड़िएगा। ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सिंपल आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, एक्टिवेशन कोड आपसे मांगेगा दोस्तों, एक्टिवेशन कोड ध्यान रखना भाई, बिल्कुल फ्री में आप अनलॉक कर पाओगे, एक्टिवेशन कोड आपसे मांगेगा, तो उसमें आपको इंडियन एंटर करना है दोस्तों। क्या एंटर करना है, इंडियन एंटर करना है भाई, आप फ्री में जो है अनलॉक कर पाओगे क्लास को, इंडियन जैसे ही आप एंटर करोगे आप क्लास को अनलॉक कर पाओगे, और नोटिफाई भी कर लेना 4 बजे लाइव आके, ध्यान रखना दोस्तों 4 बजे बिल्कुल लाइव आके, इसकी सारे जो टॉपिक है, इसके सारे जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सारे हम जो है वहां पर एमसीक्यू की फॉर्मेट में लाइव डिस्कस करेंगे। सो 4 बजे होगी दोस्तों, और आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी एयरफोर्स एनडीए या फिर सीडीएस, एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी ना अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो भाई, प्लस सब्सक्रिप्शन आप सभी ले सकते हो, यहां पर दोस्तों इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा आप पढ़ सकते हो, और जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लो तो दोस्तों एक मेरा कोड है भाई, एक मेरा रेफरल कोड है दोस्तों, रेफरल कोड है जिसका नाम है भाई इंडियन, जिसका नाम क्या है, इंडियन है, INDIAN, इसको आप यूज करोगे तो आपको इंस्टेंटली 10% का और ऑफ मिल जाएगा दोस्तों, और ऑफ मिल जाएगा, तो आप जब सब्सक्रिप्शन लो तो इसका इस्तेमाल करना, बाकी अगर आप फ्री में क्लास देखना चाहते हो तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्लास जो है फ्री में अनलॉक हो जाएगी। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं भाई, हमारा जो है एक नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, एक नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो क्या है भाई, उसको भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसको भी मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ दोस्तों, वो क्या है,
वो है दोस्तों, एक तो डिस्टेंस क्या होता है और एक डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। एक तो डिस्टेंस क्या होता है और दूसरे बात करें दोस्तों हम डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, सो उनके बारे में भी एक बार मैं बता देता हूँ, फिर जो है हम नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आगे डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक हमारे पास आता है भाई दूरी। दूरी को कहते हैं दोस्तों डिस्टेंस, दूरी को क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है दोस्तों विस्थापन। विस्थापन इसको क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों दूरी क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और इन दोनों में अंतर क्या होते हैं। भाई ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे आपको ईजी हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों। यहां पर लिखते हैं, यहां पे हो गई भी हमारी दूरी और यहां पर लिख लेते हैं विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, ऐसे हम जो है इनको सेपरेट कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए दूरी क्या होती है दोस्तों। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये ए है और ये पॉइंट है भाई बी। यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है दोस्तों, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी। यहां पे मान लीजिए भाई मैं खड़ा हूं और मैं बी तक जाना चाहता हूं, लेकिन जो रास्ता है वो सीधा नहीं है, वो कहीं ऐसे जा रहा है, कभी मतलब कटा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है। तो मतलब अगर मैं ए से बी तक जा रहा हूं दोस्तों, तो मैंने यहां से यहां तक जाने के लिए कुल कितनी दूरी तय की, उसको क्या कहते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये जो आडा मेडा रास्ता है दोस्तों, टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता है, ये जो है कुल मिला के 15 किलोमीटर का है भाई ए से बी तक का। तो मैं यहां से जो है गया हूं बी के पास, तो मैंने टोटल जो है 15 किलोमीटर दूरी तय की है। मतलब ये क्या है, दूरी है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों, इसकी एसआई यूनिट, अगर दूरी की एसआई यूनिट पूछ ले तो ये क्या होती है भाई, ये आपकी मीटर होती है भाई, ध्यान रखना दोस्तों, मीटर में मेजर किया जाता है इसको। और यहाँ पर ये आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, कुल लंबाई ए से बी तक जाने के लिए जो कुल लंबाई तय की गई है उसको मैं दूरी कहूंगा भाई। स्टेटमेंट लिखने की मेरे को आवश्यकता नहीं है आई थिंक। सो उसके बाद देखिए दोस्तों, यहीं पर ए से बी तक ही मैं जा रहा हूं भाई, ए से बी तक जा रहा हूं दोस्तों। लेकिन अब की बार क्या किया है, अब की बार दोस्तों मैंने ना दूसरा रास्ता अपना लिया है, मतलब जो कि बिल्कुल शॉर्टेस्ट है, वो क्या है सीधा जा रहा है, वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगी भाई, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी दोस्तों, विस्थापन हो जाएगा। ये मान लीजिए अब 10 किलोमीटर का, देखो भाई मेरे 5 किलोमीटर बच गए, एक तो मैं कुल लंबाई तय कर रहा था और एक मैं ए से बी तक जाने का मतलब शॉर्टेस्ट रूट तय कर रहा था। मतलब क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ये क्या होती है दोस्तों, न्यूनतम दूरी अगर आपसे कह दे तो वो क्या होती है भाई, वो आपकी विस्थापन होती है। न्यूनतम दूरी क्या होती है दोस्तों, ए से बी तक जाने के लिए जो न्यूनतम दूरी आपको तय करनी होगी वो आपकी क्या होगी, वो विस्थापन होगी। अगर कुल लंबाई आप तय करोगे तो वो आपकी दूरी होगी। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा दोस्तों, यहां पर आई होप कि आप सभी को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं विस्थापन के बारे में बात करूं, तो विस्थापन दोस्तों जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। विस्थापन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ये जो आपकी दूरी है दोस्तों, ये तो भाई पॉजिटिव होगी, ये क्या होगी पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव टोटल लेंथ नहीं हो सकती ना, तो आप ध्यान रखना ये जो आपका, फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ये पॉइंट है भाई ए और ये पॉइंट है दोस्तों बी। अब यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, मैं जा रहा हूं यहां से सी के पास और सी से जा रहा हूं भाई बी के पास। ध्यान रखना, पहले मैं जा रहा हूं सी के पास और सी से जा रहा हूं बी के पास। ये 2 किलोमीटर है दोस्तों, ये आपकी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब यहां पर मेरे से पूछा है कि इसमें आप डिस्प्लेसमेंट, यहां पर आप क्या पूछा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ मेरे को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस क्वेश्चन। सो ध्यान रखना दोस्तों, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा अभी 2+3 किलोमीटर, यानी टोटल 5 किलोमीटर जो है मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले मैं सी के पास गया फिर यहां पर गया। उसके बाद अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो यहां पर क्या हो जाएगी, न्यूनतम दूरी हो जाएगी। और अब आपके पास क्या बन गया दोस्तों, ट्रायंगल बन गया। तो 2 का स्क्वायर होता है भाई 4 और उसके बाद जो है 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहां पर कितना हो गया दोस्तों, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अगर आप जोड़ोगे और इसका अंडर रूट करोगे तो यहां पर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है दोस्तों। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप निकालोगे तो 2 का स्क्वायर होता है भाई 4 और 3 का स्क्वायर होता है
अन्नो, तो 9 और 4 अंडर रूट 13 आ जाएगी दोस्तों। तो ऐसे आप जो है ध्यान रख सकते हो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। आई होप कि यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। इसकी भी यूनिट क्या होती है दोस्तों, मीटर ही होती है भाई। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी आपकी क्या होती है दोस्तों, मीटर ही होती है दोस्तों, ध्यान रखना। आई होप कि आप सभी को यहां तक जो है क्लियर होगा दोस्तों, यहां तक आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। और एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है दोस्तों, वो क्या होता है भाई, वो आपका होता है दोस्तों ऑलवेज लेस देन और मतलब ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है दोस्तों, ध्यान रखना भाई। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है दोस्तों, या फिर आप ऐसे कह सकते हो दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होता है, वो हमेशा दोस्तों 1 या फिर उससे कम ही होगा भाई, ये आप ध्यान रखना। और ध्यान रखना दोस्तों, जो दूरी होती है भाई, दूरी होती है वे हमेशा बड़ी होगी दोस्तों या फिर इक्वल होगी किसके, विस्थापन के। ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूरी क्या है भाई, दूरी आपकी हमेशा बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। आई होप कि आप सभी को यहां तक क्लियर होगा दोस्तों। यहां तक अगर कोई डाउट है तो मेरे को आप मैसेज करके बता सकते हो भाई, यहां तक अगर कोई डाउट है तो मेरे को आप मैसेज करके बता सकते हो। कोई भी डाउट है तो मेरे को मैसेज करके बता दो भाई, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, पार्ट नंबर 2, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा दोस्तों, उसमें हम भैया आगे एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे दोस्तों, एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, टाइम वेलोसिटी ग्राफ हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है मतलब रोटेटली मोशन में आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी प्रकार मतलब डिटेल कर देंगे दोस्तों पार्ट 2 में। लगभग 2 पार्ट में मैं आपको कंप्लीट मोशन करवा दूंगा दोस्तों। कोई भी एग्जाम दे लेना भाई, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो प्रैक्टिस है दोस्तों वो अमन अकेडमी पर करेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल भी और सिंपल वाले क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल भी करेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल भी करेंगे भाई। और प्रैक्टिस हम कहाँ पे करेंगे, अन अकेडमी पर, शाम को 4 बजे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक कीजिए। अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर रखी है तो बेस्ट है, अगर डाउनलोड नहीं किया दोस्तों तो डाउनलोड कीजिए। और जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो अन अकेडमी ऐप पे ओपन हो जाएगा और फर्स्ट टाइम आपसे साइनअप कोड मांगेगा, तो उसमें आपको एंटर करना है दोस्तों इंडियन। ये मेरा प्रोमो कोड है भाई, मेरी क्लास देखने के लिए आपको इसको एंटर करना होगा, बिल्कुल फ्री में आप क्लास अनलॉक कर पाएंगे। इंडियन, INDIAN, इंडियन आप एंटर करोगे तो क्लास के लिए आप ओपन हो जाओगे और लाइव क्लास चलेगी भी, ध्यान रखना क्लास लाइव चलेगी शाम को 4 बजे बिल्कुल। तो आप मस्ट जुड़िएगा दोस्तों, लाइव पोल के थ्रू हम देखेंगे कि कौन कितनी तैयारी करता है। तब तक इसके नोट्स बना लीजिए, इसको रिवीजन करके जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।